हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वीनू और आप देख रहे हैं वीनूज वे। और आज का वीडियो है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशली थैंक यू के लिए बनाया है, आपके इतने सारे प्यार के लिए, क्योंकि हमारे चैनल ने क्रॉस कर लिए हैं 3000 सब्सक्राइबर्स, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है किसी भी छोटे यूट्यूबर के लिए, किसी भी स्टार्टिंग यूट्यूबर के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। तो हमारे चैनल ने वो क्रॉस कर लिया है, तो थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने जो है मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो फिर आउट ऑफ लव, तो मैं एक टोकन ऑफ लव आप लोगों के लिए लाई हूँ, देना चाहती हूँ। तो बताऊँगी क्या, उसके लिए आप देखते रहिए वीडियो। तो एक्चुअली था क्या, पिछले ट्यूसडे, मतलब जो है अभी जो पिछले वीक का ट्यूसडे था, उसमें मेरा जो वॉलेट है वो चोरी हो गया था और मेरा मूड बहुत ख़राब था। और मैं जो हूँ दो दिन के लिए तो लिटरली मैं रो ही रही थी पूरा दिन। लेकिन फिर फ्राइडे को जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिली, जैसे ही मैंने देखा कि हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं, तो मैं वो सब भूल गई और मैं इतना खुश हो गई लिटरली कि मैं बस चाहती थी कि मैं जल्दी से वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, गिव अवे जो है रेडी करूं। लेकिन उसके लिए पहले मुझे शॉपिंग करना था, इसलिए मुझे थोड़े दिन लग गए। और फिर मुझे मम्मी के घर भी आना था, कुछ काम था, तो उसमें भी जो है टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन अब मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो बस इसीलिए मैं ये जो है वीडियो रात को शूट कर रही हूँ 1:30 बजे। इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड कि मैं कैसी दिख रही हूँ। एनीवेज जो है अब मैं बताती हूँ मैं आप लोगों के लिए क्या क्या लाई हूँ। मैं ये गिव अवे करने वाली थी 1000 सब्सक्राइबर्स पे, पर जो है मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो है 3000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं विद इन 2 डेज। तो थैंक यू सो मच। और बताऊँ मैं आपके लिए क्या क्या लाई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सब ने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरी उस वीडियो को दिया है जिसमें किचन ऑर्गेनाइजर से या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियोस हैं आपको ज़्यादा पसंद आ रही हैं फिलहाल के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बस कुछ ऑर्गेनाइजर्स, कुछ घर के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर जो मैंने अपने वीडियोस में दिखाए हैं, वही मैं लाई हूँ आपके लिए। तो चलिए मैं एक एक करके दिखाती हूँ क्या है। सबसे पहले जो मैं लाई हूँ वो ये है, एक इस तरीके का जो है फोल्डिंग रैक है। ये बड़े साइज़ का रैक है, आप देख सकते हैं। इसमें जो है दो स्टैंड तरीके से दिए हुए हैं, इसको बस इस तरीके से खोलना है और ये जो है आपका इस तरीके स्टैंड बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके की पिक्चर अगर आप देख सकते हैं, तो ये ऐसा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं इसको किचन में या फिर जहाँ भी आपको वर्टिकल स्पेस कहीं पे यूज़ करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ ये बड़ा साइज़ है, तो मैं एक छोटा साइज़ भी लाई हूँ वाइट कलर में, ये देख सकते हैं आप। ये भी सेम है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है, आप इसके ऊपर और नीचे जो है दोनों रख सकते हैं और ये इस तरीके से जो है खुल जाएगा और ये स्टैंड जो है आपका रेडी हो जाएगा। और ये बहुत ही क्लासी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्पेस सेविंग है, स्टोरेज के लिए परफेक्ट है। तो ये जो है आप इसके बड़े वाले रैक के ऊपर इस तरीके से स्टैक भी कर सकते हैं, तो आपका 2 लेयर जो है रैक टाइप बन जाएगा। तो मैं ये लाई हूँ आपके लिए दो चीज़ें। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये सीधा इस तरीके से अगर आप इसको बंद कर देंगे तो ये टूट जाएगा। इसको बंद करने के लिए ये जो दो पॉइंट्स हैं, आप इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये अपने आप जो है इस तरीके से बंद हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये दो रैक्स हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं लाई हूँ वो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही है। मैं अगर मेरी आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके मल्टीपर्पज़ यूजेस मैंने उस वीडियो में बताए हैं। तो ये है वो कुछ एस हुक्स, ये जो है 6 का पैकेट है, इसमें 6 पीसेज आपको एस हुक्स के मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो और आपको पता चल जाएगा कि ये कितने काम की चीज़ है। तो नेक्स्ट जो है वो है ये कुछ इस तरीके के मैग्नेटिक हुक्स हैं। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, आप फ्रिज में जो है बस इसको स्टिक कर दीजिए और उसके ऊपर आप कुछ भी टांग सकते हैं। 300 ग्राम्स तक जो है ये हुक लोड दे सकता है। तो या ये 2 हुक्स हैं, मैग्नेटिक हुक्स। नेक्स्ट जो चीज़ आपको मिल रही है वो है ये हैंगर।
इसमें जो है इस तरीके के क्लिप्स दिए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपके वार्डरोब में ये बहुत ही काम आएगी। ये आप क्लिप्स को यूज़ करके इस पर कुछ भी टांग सकते हैं, जैसे स्कार्फ्स या स्टोल्स या फिर आपकी कैप्स वगैरह, या फिर आप चाहें तो अपने अलग अलग जो हैं लोअर्स भी इस पर टांग सकते हैं। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार, बस आपके आंखों के सामने होंगे। और ये एक ही हैंगर में आपको जो है काफ़ी सारे हुक्स मिल रहे हैं, 8 क्लिप्स जो हैं आपको मिल रहे हैं। सो या दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग जो आपको मिल जाएगी। तो जो नेक्स्ट चीज़ आपको मिल रही है वो है ये इस तरीके का हुक है हैंगिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी किसी भी डोर पे या कहीं पे भी अपनी कैबिनेट के डोर पे इसको लगा सकते हैं यहाँ पे। और फिर ये जो दो हिस्से आपको दिए हुए हैं, इस पर आप कुछ भी टांग सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बैग और एक हैंगर दिख रहा है टंगा हुआ, तो इस तरीके से जो है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए जगह, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जगह बनाएगा। नेक्स्ट है ये क्लिप फाइल केस। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है स्टोरेज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये इसकी खास बात ये है कि ये जो है इस तरीके से क्लिप हो जाता है और ये ऐसे खुल के जो आपके पेपर हैं आप इसमें लगा सकते हैं इस तरीके से, और ये ऐसे बंद हो जाएगा। तो आपको कुछ भी जो है अपने पेपर्स में जो होल करते हैं यहाँ पे उसको पिन करने के लिए या फिर वो क्लिप करते हैं, वो सब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस तरीके से अपने पेपर जो है, इंपॉर्टेंट पेपर्स, बिल्स वगैरह जो भी हैं, आप इसमें रख के इसको जो है बंद करके आराम से रख सकते हैं, ना मुड़ेंगे ना कुछ। तो जो है आप इसमें सिर्फ रख दीजिए और इसको क्लिप करके बंद कर दीजिए और इसको कहीं भी जो है लगा दीजिए, तो नॉर्मल फाइल की तरह इसमें कागज़ जो मुड़ेंगे नहीं, आपके ख़राब नहीं होंगे, और जो है आप इसको ईजिली जो है स्टोर कर सकते हैं। तो ये है वो नेक्स्ट चीज़ जो आपको गिव अवे में मिल रही है। जो लास्ट चीज़ है इस गिव अवे में वो है ये सुपर सुपर बड़ा एक बैग है इस तरीके से। इसमें दो हैंडल दिए हुए हैं, प्लस जो है इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग का सिस्टम है कि आप इसको बस वेलक्रो से इस तरह चिपका दीजिए। तो ये बहुत काम आ सकता है आपके, अगर आप कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं, जैसे कि आजकल जो है पॉली बैग्स बैन हो गए हैं, होने भी चाहिए बिकॉज इट्स वेरी बैड फॉर द एनवायरनमेंट एनीवेज। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं पे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। सो या दिस इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन, और वाटरप्रूफ है, काफ़ी मजबूत है, बंद करने के लिए वेलक्रो सिस्टम है इसमें। और जो भी सारा सामान मैंने गिव अवे में लिया है वो सब मैं इसी में डाल के भेजने वाली हूँ। एनीवेज दिस इज़ अ रियली रियली नाइस एंड गुड बिग बैग। सो या तो गाइज यही थी वो चीज़ें जो मैंने गिव अवे में इंक्लूड की हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। और आप अगर ये गिव अवे जो है जीतना चाहते हैं तो सिर्फ सिंपल रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं वो ये हैं कि फर्स्ट तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीनूज वे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो है नेक्स्ट मुझे इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आप मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजेंगे जहाँ पर आपने जो है मुझे यूट्यूब पे फॉलो किया है, तो उसका स्क्रीनशॉट आपको मुझे DM करना है इंस्टाग्राम पे। और थर्ड और लास्ट रूल जो है इस गिव अवे का वो ये है कि आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आपको मुझ में या फिर इस चैनल में या मेरी वीडियोस में क्या अच्छा लगता है, और साथ में लिखना है डन। तो अगर आपने ये तीनों रूल्स जो है फॉलो कर लिए तो आप इस गिव अवे में एंटर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी जो है कन्फ्यूजन है मेरी बात में, तो मैं सारे रूल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। एंड प्लीज़ मेक श्योर आप एक एंट्री ही करें, सिर्फ एक बार कमेंट करें ताकि सबको जो है फेयर चांस मिल सके। और अगर आपने सारे रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, सिर्फ सब्सक्राइब कर दिया या सिर्फ फॉलो कर दिया है, तो सॉरी बट आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे इस गिव अवे के लिए। सारी जो रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं तभी आप एलिजिबल होंगे। तो बस यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंटेंट, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। Bye.